बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये जो मैं धनिया काट रही हूँ, आज हम बना रहे हैं आलू अंडे, आलू और साथ उबले हुए अंडे होंगे। मैंने आलू काट लिए हैं, लहसुन छील लिया है, प्याज भी काट लिए हैं, और अब मैं जो है ना धनिया काट रही हूँ। धनिया काटने के बाद जो है ना, फिर मैं आलू अंडे जो है ना वो बनाऊंगी। ये जो धनिया मैंने काट लिया, अब चलते हैं किचन की तरफ। ये जी प्याज मैंने काट लिए, ये तीन मैंने ले लिए, टमाटर छोटे थे इसलिए तीन लिए, और लहसुन मैंने छील लिए। ये मैं टमाटर उठा रही हूँ और लहसुन भी, और घी मैंने डाल दिया पतीले में, वो गर्म हो रहा है। ये लहसुन जो है मैंने साइड पे कर लिया। अभी प्याज मैं डालूँगी इसमें घी, प्याज हल्के हल्के वो होंगे गोल्डन, जितनी देर में प्याज गोल्डन होते हैं उतनी देर में मैं लहसुन कूट लूँगी। ये प्याज जो है ना वो तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, अभी इसमें मैं जो है ना लहसुन डाल रही हूँ। इसको हल्का सा भून के इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। अब मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दिए, इसको मैं हल्का सा भून के फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, पानी डाल के हल्के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने अंडे जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए। ये इसमें मैंने मसाला भून के उसमें मैंने आलू डाल दिए थे, उसके पानी डाल दिया, आलू गल चुके हैं, धनिया भी डाल दिए। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जो है ना वो चूल्हा बंद कर दूंगी। ये मैं अंडे छील रही हूँ, अंडे छीलने के बाद जो है ना मैं इसको आलूओं में डाल दूंगी। ये देखें जी, आलू अंडे का सालन जो है वो तैयार है। अभी मेरे जो है ना चाय का टाइम हो गया, और मैं चाय के साथ ले रही हूँ दो केक पीस हैं और एक आलू की टिक्की है, साथ केचप है, चिली सॉस है, सॉरी। ये चाय है, इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।